खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। जी व्यूवर्स, ये है मेरी आज की वीडियो और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े की बात लेकर आई हूँ। लेकिन उस बात से पहले मेरे चैनल को आप कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बहुत ही प्यारा सा दीजिएगा कमेंट्स। तो मेरे चैनल पे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी, बहुत अच्छी बातें शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, आज की जो मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आज मैं बैठी हुई हूँ, पहली बात है कि ऑफिस में आज मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ ऑफिस से। मैंने बस ऐसे ही सोच लिया कि जो है क्या कहते हैं आपको, मैं अपनी वीडियो जो है ना वो ऑफिस एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा दिखाऊँ, मैं अपने ऑफिस में दिखाऊँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट बहुत सारी चीज़ें जो दिखा सकती हूँ, तो एटलीस्ट के यहाँ बैठ के तो मैं बना सकती हूँ। वैसे तो ये मेरी सीट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ और मैं क्यों आज यहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्यों यहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पे आज यहाँ बनाने का मकसद क्या है, तो जो है आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल मेरे कोई घर का नहीं है लोकेशन, ये बिल्कुल मेरे ऑफिस की लोकेशन है और मैं ऑफिस में हूँ अपने, और मेरे ऑफिस में ये दूसरा रूम है जहाँ पर के मैं मौजूद हूँ। तो मैं थोड़ा सा देख रही थी कि मैं पीछे होने की जगह है, तो मैं पीछे होना चाह रही थी क्योंकि मेरा ऑफिस नहीं, किसी और का ऑफिस है। मैं किसी दिन अपने ऑफिस का भी विज़िट कराऊंगी, लेकिन अभी मैं जो मौजूद हूँ, मैं किस वजह से मौजूद हूँ, तो मैं आपको एक बता दूँ कि एक हमारे अच्छे से बहुत प्यारे से यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों ने उन्हें देखना शुरू किया, आप लोगों ने उन्हें पसंद भी करना शुरू किया। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप उन्हें और भी ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के हवाले से भी उन्हें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो बहुत अच्छी वीडियो लेकर आते हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होती है और आपको पूरी जो सैर है ना वो करवाते हैं। फ़िलहाल तो वो पाकिस्तान और बल्कि कराची या थोड़ा सा कराची से बाहर वो निकल रहे हैं और वो किस तरीके से जा रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं साइकिल खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज साइमा आई हुई है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, कहने लगी वीडियो बनानी है, मैंने कहा बना लो, आई डोंट माइंड। तो आप अपनी किस किस्म की वीडियो बनाते हैं, आप अपने लोगों के साथ शेयर करें कि आपकी वीडियो किस किस्म की होती है, क्या वीडियो बनाते हैं आप? भाई मेरी वीडियो जो है ना वो साइकिलिंग के हवाले से है, और मैं यही कहता हूँ कि अपनी वीडियोस में के साइकिल चलाएं, अपने इन्वायरमेंट को बचाएं, अपनी सेहत को बचाएं, ताकि आप फिट रहें, सेहतमंद रहें। और अब जी आप ये बता रहे थे कि आप जो है, मैंने एक्चुअली व्यूअर्स थोड़ी सी जगह चेंज करवाई है इस वजह से कि हम दोनों ही आए, आपको पता चले कि मैं बोल रही हूँ और ये मैं पूछ रही हूँ और ये जवाब दे रहे हैं। तो ये इनका जो चैनल है वो है साइकिल खान के नाम से, दी साइकिल खान के नाम से इनका चैनल है। तो उस चैनल पर आप क्या क्या व्यूअर्स को अपना दिखा रहे हैं? मैं साइकिलिंग के हवाले से दिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को अच्छी सी अच्छी तारीखी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा सकूं और ग्रीनरी दिखा सकूं और लोगों को मोटिवेट कर सकूं साइकिलिंग के हवाले से, कि वो साइकिल चलाएं और माहौल बचाएं, अपनी सेहत बचाएं, फिट रहें, सेहतमंद रहें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं डेली एक वीडियो बनाऊँ, मगर मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तकरीबन कराची तो तकरीबन लोगों ने देखा हुआ है। अब मैं ये आज भी सारा दिन यही सोच रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊँ कराची में। माटा पैलेस जाने का आज प्रोग्राम था, मगर वो पता चला कि वहाँ तो वीडियो शूट करना लाभी नहीं है, तो फिर वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। इतनी लंबी मैं राइड करके जाऊँ और पता चले कि मुझे वीडियो शूट करने की इजाज़त ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा वहाँ जाने का? तो अब मैं यही सोच रहा था, तो इतने में तुम आ गई। हाँ, मैं आ गई और मैंने इसे कहा कि चलो एक हम वीडियो बनाते हैं मेरे चैनल के हवाले से, मेरे चैनल के लिए, जो कि मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ कि एक अच्छी वीडियो मेकर जो है ना, क्या कहते हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो नए वो आ चुके हैं और वो एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कि मतलब हट के, बहुत सारे लोग व्लॉग्स की तरफ ही जाते हैं, वो नॉर्मली फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, मैं ख़ुद भी फैमिली व्लॉग्स बनाती हूँ। तो जो है साइकिल द साइकिल खान के नाम से एक अच्छा सा चैनल आया है, बहुत ही ज़बरदस्त था,
और वो फेमस भी हो रहा है, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी से नई प्रमोशन मिलती है, तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो ये है कि फिर मैंने भी सोचा कि मैं अपने भी जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी ये देखें, इनके चैनल को जाएं और इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। मैं आपको थोड़े से शॉर्ट्स इनके वो जो है ना वो दिखाती हूँ कि वो किस किस्म के वीडियो बनाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और बहुत अच्छा व्यू जो होता है ना इनकी वीडियो में वो ज़बरदस्त आता है। एडिटिंग बड़ी अच्छी होती है ज़बरदस्त तरीके से। और अच्छा, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आप जो है ना साइकिल पर अकेले मूव कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, तो आपका खुद का ये आपका फर्स्ट टाइम था, तो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई डर और खौफ नहीं, लोग मना कर रहे थे कि नहीं जाना, हालात ऐसे वैसे, मैं अल्लाह के आसरे पर निकल पड़ा, माँ की दुआएँ, बहन की दुआएँ, घर वालों की दुआएँ, वाइफ की, बच्चों की, तो मैं निकल पड़ा ठंडा की राइड के लिए, तो मुझे कोई डर और खौफ था नहीं, आराम से अपना सफ़र जर्नी इंजॉय किया, ठट्टा तक गया खैर आफियत के साथ, ठट्टा को एक्सप्लोर किया, मकली ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर किया। अब इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट टूर प्लान हो रहा है तो मैं कोयटा जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कितने दिन का? वो भी साइकिल पे ही होगा? वो भी साइकिल पे ही होगा, और वो तकरीबन उसमें मुझे 8 से 9 दिन लगेंगे। 8 से 9 दिन लगेंगे पहुँचने में। फिर आप जो है पूरा सर्वे करोगे, पूरा सब कुछ आप व्यूअर्स को दिखाओगे। बिल्कुल, हर एक एक जगह पे जाओगे, तो एटलीस्ट आपको कोई 2-3 महीने लग सकते हैं वहाँ पर। कोयटा नहीं, नहीं, नहीं। ये मेरा टूर होगा, 8 दिन आप लगा लो कि मुझे पहुँचने में लग जाएंगे, फिर 2-3 दिन मैं कोयटा स्टे करूँगा, वापसी जो है ना मैं साइकिल पर नहीं होंगी, क्योंकि मैं उसी रास्ते से वापस नहीं आना चाहता, तो वापसी मैं ट्रेन या बस से आऊँगा, फिर अपना नेक्स्ट टूर जो होगा ये इंशाल्लाह करने के बाद मैं फिर अपना नेक्स्ट टूर प्लान करूँगा कि मुझे कहाँ करना है। तो अभी आप जो आजकल जो अपनी वीडियोस बना रहे हैं वो किस उस पर बना रहे हैं, कराची में ही किस जगह पे जाके बनाने के आपके वो है कि कराची में कुछ ऐसी चीज़ जो आप दिखाना चाह रहे हैं व्यूअर्स को? मैं क्या दिखाऊँ कराची में, क्या कराची के लोगों ने कुछ नहीं देखा? देखा तो कराची के लोगों ने होगा, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वाकई में नहीं जाते हैं। आप, मैं खुद करली झील नहीं गई हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, तो इस तरीके से आप ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे वाकई में लोग नहीं गए। तकरीबन 80% लोगों ने कराची देखा हुआ, ठीक है, कराची की हर जगह लोग गए हुए हैं, खुद से गए हुए हैं, घूमे हुए हैं, खाया पिया उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से, जहाँ जहाँ मशहूर खाने पीने मिलते हैं तकरीबन लोग वहाँ जा चुके हैं। तो अब मैं क्या दिखाऊँ लोगों को, मुझे समझ नहीं आती कि कराची में ऐसी कौन सी जगह। चले व्यूअर्स, ये जो है ना, अगर साइकिल खान को समझ नहीं आ रही है तो फिर ऐसा करें कि आप लोग कमेंट्स दीजिए, आप लोग बताइए कि द साइकिल खान को कौन सी जगह पे जानी चाहिए और वो आपको उस जगह का पूरा सर्वे कराएं, पूरा दिखाएं। कोयटा जाने में तकरीबन मुझे 1 हफ्ता लगेगा, इंशाल्लाह मैं 1 हफ्ते की तैयारी में कर लूँगा, उसके बाद जो है ना मैं कोयटा के लिए निकल पड़ूँगा। अब तब तक मुझे 1-2-3 वीडियो तो शूट करनी है कराची में, तो आप प्लीज़ इनको ना कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे कराची में कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, कराची में इतना वो है, रश है, अफरा तफरी है, तो लोग थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं कि हम किसी ग्रीनरी को देख लें, पहाड़ी माहौल देख लें, बहता हुआ पानी देख लें। तो मेरी भी विश यही है कि मैं भी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर हरियाली हो, ग्रीनरी हो, बहता हुआ पानी हो, आबशार हो। तो ऐसी जगह तो आपको ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में ही मिलेंगे, तो इसीलिए मैं जो है ना कोयटा का टूर में प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कराची में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, कराची में नहीं मिलेंगी और कराची वालों को नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, या तो अगर आपने हल्का फुल्का इंजॉय करना है तो फिर आपने वीडियो से गुजारा करना पड़ेगा। नॉर्मली जो वीडियोज है उनसे गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन ये कि अगर आप वैसे भी और जगहों पे जाओ, बहुत सारे लोगों ने वाकई में बहुत सारी जगह नहीं देखी होती, छोटे मोटे प्लेस ही होते हैं वो भी नहीं देखे होते, तो एटलीस्ट आप अपने आपका जो फर्स्ट टूर होगा ना वो इस हवाले से होगा कि आप साइकिल पर हैं, आप साइकिल पर हैं। अगर आप सदर भी जाते हैं, आप कराची के किसी भी एरिया में जाते हैं, तो आप इसी के, क्योंकि आप मार्केटों में जा सकते हैं, मतलब मैं आपको एक कंटेंट दे रही हूँ कि आप मार्केटों में जा सकते हैं, मार्केटों में जाके वहाँ की आप वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही जो होलसेल मार्केट है, इस टाइप की जो मार्केट्स होती है उसमें नहीं गए हुए होते, तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ जा सकते हैं। मैंने एक सजेशन थी जो वो मैंने दे दी है, बाकी सजेशन आप लोग लाजमी दीजिएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा
कि साइकिल खान को अपनी साइकिल पे कहाँ जाना चाहिए, और वो सोच रहे हैं एक अच्छे कंटेंट के लिए कि आपके लिए बहुत अच्छा कुछ नया लेकर आए। तो घर वालों ने इस हवाले से आपको क्या फीडबैक दिया? किस हवाले से? यूट्यूब पे आपने साइकिल पे जो चलाने की, क्योंकि साइकिल पे चलाना, मुझे घर वालों की तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं है, तो उनकी तरफ से इजाज़त है, वालदा की तरफ से, वाइफ की तरफ से, बहन की तरफ से मुझे कोई इशू नहीं है। वो भी तैयार हैं कि आपने जहाँ जाना है जाओ। तो व्यूवर्स, आपने जो है देखी साइकिल खान के, अब मैं आपको थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स भी साथ में एंड में दिखा देती हूँ, वो आपके वीडियो क्लिप देखेगा, और साथ में मैं आपको इनके जो चैनल का लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। बाकी आप इनके चैनल को जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में, अपने सपोर्ट में ज़रूर इनको याद रखिएगा। जब भी आप कभी, आपके सामने कोई ये वीडियो आ जाता है साइकिल खान की, तो आप लाजमी उसको वॉच कीजिएगा, क्योंकि इनको अभी सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों की अशद ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। साथ में मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी आपके साथ की, आपकी दुआओं की, आपके सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए, हम दोनों की